नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा राइनोसेरस के ट्रांसलोकेशन के बारे में। राइनोसेरस जिसकी भारत में एक बहुत अच्छी आबादी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन स्टोरीज ऑफ इंडिया। तो ऐसे स्पीशीज को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, क्यों कॉर्बेट नेशनल पार्क चुना गया है और ट्रांसलोकेशन के पीछे रीजंस क्या है, ये सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं और लेक्चर्स के अपडेट्स चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते हैं और बिना कहीं ट्रांसलोकेट किए अपने घर से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें studyiq.com। तो ये न्यूज़ में था अभी हाल ही में कि उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड ने ये प्रपोजल मान लिया है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में राइनोसेरस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब कॉर्बेट अपने टाइगर के लिए यानी कि बाघ के लिए फेमस है, तो वहाँ पर राइनोसेरस की इंट्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है, ये आपको अब समझ में आएगा जब ये लेक्चर आप पूरा देखेंगे। तो आइए भारत के मैप में भी देखते हैं कि जिम कॉर्बेट की लोकेशन क्या है। आपको सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की लोकेशन और वहाँ पर पाए जाने वाली इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उत्तर भारत में स्थित है उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड में जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक्स हिमालय की पहली माउंटेन रेंज है और इस शिवालिक में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इससे कुछ ही दूर पे है राजाजी नेशनल पार्क भी। तो हमें अभी जिम कॉर्बेट की लोकेशन जाननी है। तो एक शहर याद रखिएगा, नैनीताल। नैनीताल शहर, यहाँ पर ये जो माउस पॉइंट कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंटर जो है ये नैनीताल शहर है और इसी नैनीताल ज़िले में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के और इसके पास में ही रामगंगा रिजर्वायर है। रामगंगा नदी बहती है, वहाँ पर एक डैम बना हुआ है और उसका एक रिजर्वायर है और उसी के आसपास में फैला हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो एरिया ये आपको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ माउस पॉइंटर से, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया। तो भारत के मैप में तो हमने देखा, अब उत्तराखंड का मैप देखिए। उत्तराखंड के मैप में ये जो ग्रीन कलर का एरिया है जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो 5 लिखा हुआ है ये है राजाजी नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। राइनोसेरस की दुनिया में 5 प्रजातियां हैं, 5 तरह की स्पीशीज हैं और उनमें से 2 अफ्रीका में है, 3 एशिया में है। तो सभी राइनोसेरस स्पीशीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड और नियर थ्रेटेंड अपार्ट फ्रॉम इंडियन। तो केवल जो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस है जो भारत में मिलता है, जिसे हम इंडियन राइनो कहते हैं, उसके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। 3,500 से भी ज़्यादा राइनोसेरस हैं भारत में और नेपाल में और भूटान में भी और इन्हें वल्नरेबल स्टेटस मिला है, किसमें, IUCN की रेड लिस्ट में। तो इंडियन राइनोसेरस इज एट वल्नरेबल। पहले ये एंडेंजर्ड था लेकिन इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो इसे 2008 में वल्नरेबल आ गया। यानी ये भारत की एक सक्सेस स्टोरी है कि हमने सक्सेसफुली राइनोसेरस को कंजर्व किया है, उसके नंबर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। बाकी सभी जितनी स्पीशीज हैं वो सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर नियर थ्रेटेंड हैं। तो ये रेंज है, आप देखिए हिस्टोरिक रेंजेस हैं राइनोसेरस की। तो जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये रेंज है इंडियन राइनो की। तो ये आज का जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ से लेकर ये असम तक पाया जाता था एक समय में, लेकिन अब इसकी रेंज सिकुड़ गई है। बहुत ही कम पॉकेट्स में ये पाया जाता है। जो फेमस नेशनल पार्क्स हैं जैसे मानस, काजीरंगा या नेपाल के कुछ नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर अब ये केवल नेचुरली पाया जाता है। तो इस मैप में आप उसे अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है काजीरंगा, मानस, तो केवल इन पॉकेट्स में अब पाया जाता है राइनोसेरस। और दुधवा में उसे इंट्रोड्यूस कराया गया था, दुधवा नेशनल पार्क में यूपी में। तो ये राइनो की पॉपुलेशन है भारत की। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो असम में मिलती है और उसमें भी सबसे ज़्यादा है काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो दुनिया के 2/3 राइनोसेरस पूरे वर्ल्ड के एक ही नेशनल पार्क में, लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है काजीरंगा का, उसी में सिमटे हुए हैं 2/3 राइनोसेरस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और बाकी कुछ छोटी पॉपुलेशंस दुधवा में, कटरनिया घाट में और साथ ही साथ मानस नेशनल पार्क में भी पाई जाती हैं। वेस्ट बंगाल में भी है, गोरुमारा, जल्दापाड़ा, इन नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी हमें राइनोसेरस देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि एक जगह से निकाल कर किसी स्पीशीज को दूसरी जगह ले जाना। तो ये एक कंजर्वेशन बायोलॉजी के अंदर स्ट्रैटेजी है, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, जिससे किसी एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से, विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। तो इससे विलुप्त होने का खतरा बच जाता है। सोचिए अगर एक ही जगह पर रह रहे, काजीरंगा में रह रहे राइनोसेरस में कोई बीमारी फैल जाती है और 2,500 राइनोसेरस अगर मर जाते हैं या 2,500 में से 2,000 भी मर जाते हैं, तो ये पूरी दुनिया में राइनोसेरस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, पूरी पॉपुलेशन वाइपआउट हो सकती है। तो इसीलिए ट्रांसलोकेशन ज़रूरी होता है ताकि क्रिटिकल पॉपुलेशंस को ऑगमेंट किया जा सके, उनका नंबर बढ़ाया जा सके और नई पॉपुलेशंस को एस्टैब्लिश किया जा सके। तो इसके कई सारे यूजेस हैं, जैसे कि
रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ए कैटास्ट्रॉफी टू अ स्पीशीज, कैटास्ट्रॉफी यानी कि कोई बीमारी फैल जाना किसी एक सिंगल पॉपुलेशन में, टू इम्प्रूव जेनेटिक हेट्रोजेनिटी, एक ही नेशनल पार्क में एक ही पॉपुलेशन रहती है तो उसमें कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है, तो जेनेटिक स्टॉक बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है ट्रांसलोकेशन का, हेट्रोजेनिटी आती है नई पॉपुलेशन बढ़ने से, टू एड द नेचुरल रिकवरी ऑफ अ स्पीशीज, टू री एस्टैब्लिश अ स्पीशीज वेयर बैरियर्स माइट प्रिवेंट इट फ्रॉम डूइंग सो नेचुरली. अब देखिए काजीरंगा लिमिटेड एरिया है, 500 स्क्वायर किलोमीटर है, उससे लिमिट उस एरिया के बाहर राइनोस सेफली नहीं रह सकते, तो एक लिमिटेड नंबर तक ही वहां पे राइनोसरस रह सकते हैं, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी कई तरह की जो मैं आपको आगे बताऊंगा. इट इज ऑल्सो यूज टू मूव इकोलॉजिकल फीचर्स आउट ऑफ द वे ऑफ डेवलपमेंट. अगर सोचिए कल को कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, अगर काजीरंगा के थ्रू कोई नेशनल हाईवे निकाल दिया जाए, नहीं हो सकता मुझे पता है, लेकिन लेट्स से कोई और प्रोजेक्ट आ जाता है तो फिर राइनोसरस को मूव किया जा सकता है. ये ऐसा अन्य स्पीशीज के लिए किया गया है. तो ये होता है ट्रांसलोकेशन. जानवरों को ट्रैंक्यूलाइज किया जाता है, बेहोश किया जाता है, एक पूरी टीम होती है उसे बेहोश करते हैं, उनकी आंखों पर एक कपड़ा डालते हैं जिससे वो घबरा ना जाएं, और कई घंटों तक ये बेहोश रहते हैं, फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह. ये इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लग रहा है, और एक एक राइनोसरस को ट्रांसलोकेट करने का खर्चा 10 से 15 लाख रुपए के बीच में आता है, क्योंकि पूरी टीम होती है, कई दिन लगते हैं, एक स्पेशल फैसिलिटीज चाहिए इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इसीलिए ये इतना कॉस्ट, मतलब इसमें कॉस्ट भी काफ़ी आती है एक एनिमल को, एक सिंगल एनिमल को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 15 लाख रुपये तक आ जाती है. तो रीलोकेशन मल्टीपल प्लेसेस पे करने की आवश्यकता क्यों है, देखिए भारत के रिस्पेक्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. 2018 में सितंबर या अक्टूबर की बात है, गिर में जो लायंस हैं उनमें एक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, तो उस समय काफ़ी सारे लायंस की डेथ हुई थी. अब वो कंट्रोल कर लिया गया, उसमें शायद 20 या 25 शेर मरे थे, लेकिन अगर वो बीमारी कंट्रोल नहीं होती तो क्या गिर के सारे लायंस मर नहीं सकते थे? अगर ऐसा होता तो जो एशियाटिक लायन का आखिरी जो अबोर्ड है यानी गिर नेशनल पार्क, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता, एक स्पीशीज विलुप्त हो जाती. उसके अलावा कई बार फॉरेस्ट फायर्स आती हैं, बीमारियां हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, जैसे कि काजीरंगा के अंदर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो कैरिंग कैपेसिटी और दूसरा बाढ़. वहां पे जो बाढ़ आती है उसके कारण राइनोस को हर साल रीलोकेट करना पड़ता है, वो हायर ग्राउंड की तरफ जाते हैं, कई सारे राइनोसरस मर जाते हैं भूख से, एग्जॉस्टन से. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइनोसरस रेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के हर साल फोटोज और वीडियोस आ रहे हैं. अब तो जब घर घर में मोबाइल के, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल कैमरा है, तो कई वीडियोज आते हैं जब बाढ़ आती है असम में, तो इस तरह के वीडियोज आते हैं जिसमें एलिफेंट्स, राइनोसरस, ये सभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, हाईवेज क्रॉस करके पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, तो क्योंकि काजीरंगा में जब बाढ़ आती है तो ऑलमोस्ट 90% काजीरंगा पानी के नीचे डूब जाता है. तो राइनोसरस, कुछ राइनोसरस हर साल मारे जाते हैं, एटलीस्ट 20-30 बाढ़ के कारण नेचुरली मर जाते हैं. उसके अलावा एक प्रॉब्लम आ रही है कि काजीरंगा अपनी कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर चुका है. कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, देखिए हर जानवर को आराम से रहने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, काजीरंगा में वो खत्म होता जा रहा है. 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 2500 राइनोसरस हैं, हाथी हैं, कई अन्य स्पीशीज हैं, तो राइनोसरस को स्पेस चाहिए घूमने के लिए और उसे घास खाने के लिए. दिन में लगभग 40 किलो घास तक खा एक राइनोसरस खा जाता है, तो उसके लिए उसे स्पेस चाहिए, वो स्पेस मिल नहीं रही. ऐसे में क्या होगा, वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर जाना शुरू करेगा. जब बाहर जाएगा तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगी, जब इंसानों के घर में राइनोसरस जाएंगे तो ऑब्वियसली इंसान रिएक्ट करेंगे, उसे लोग मारेंगे या फिर भगाएंगे, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को वो बढ़ावा देगा. तो राइनोस एक तो बाय नेचर भी सॉलिटरी क्रीचर्स हैं, सॉलिटरी का मतलब वो अकेला रहना पसंद करता है इन नेचर, केवल वो मेटिंग के लिए साथ आते हैं, उसके अलावा सॉलिटरी रहते हैं राइनोसरस. लेकिन काजीरंगा में हम क्या देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कि राइनोस झुंड बना के घूम रहे हैं जो उनके नेचुरल बिहेवियर के अगेंस्ट है. और वो झुंड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उन्हें एक साथ रहना पड़ रहा है, मजबूरी है. सेकेंड चीज़, एक राइनोसरस को 40 किलोग्राम तक वेजिटेशन चाहिए, वेजिटेशन की भी कमी आएगी अगर बड़ा पार्क नहीं होगा तो. तो असम में काजीरंगा में इस तरह की कई समस्या आ रही है, मेनली स्पेस को लेकर, और आपस में उनमें फाइट्स भी काफ़ी देखी जा रही है, क्योंकि अब सॉलिटरी क्रीचर हैं, साथ में रहते हैं तो झगड़ा भी हो रहा है, तो इस तरह के फोटोज़ भी आते रहते हैं, राइनोसरस आपस में लड़ रहे हैं, और ये मेनली टेरिटरी की फाइट है. तो जहां इनकी पॉपुलेशन 1905 में केवल 75 बची थी, अब भारत ने आज़ादी के बाद एक अच्छा कंजर्वेशन प्लान चलाकर इनकी संख्या को 3500 के भी पार पहुंचा दिया है. केवल काजीरंगा में आज की तारीख में 2500 से 2700 राइनोसरस मौजूद हैं. तो ये हर्बीवोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनकी पॉपुलेशन को हमें दूसरी जगहों पर ट्रांसलोकेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कीस्टोन स्पीशीज़ है. कीस्टोन का मतलब है कि इसके कारण पूरा इकोसिस्टम शेप होता है, अफेक्ट होता है. तो अगर ये कॉर्बेट में जाते हैं तो कॉर्बेट भी इनका नेचुरल हैबिटाट है. कॉर्बेट में जो मौसम है सेम वैसा ही मौसम काजीरंगा में है, राजाजी नेशनल पार्क में है, दुधवा में है. तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये इकोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर है टू काजीरंगा,
और भारत ने एक प्रोग्राम भी चलाया है, इंडियन राइनो विजन 2020 प्रोग्राम, 10 साल से चल रहा है प्रोग्राम, इसी के तहत राइनोस को रीलोकेट करवाया जाएगा। तो राइनोसरस पहले भी इस एरिया में मिलते थे, पाए जाते थे, मैंने आपको बताया नेचुरली ये पाकिस्तान से लेकर असम तक पाए जाते थे, लेकिन 200 सालों से वहां पर कॉर्बेट वाले एरिया में, उत्तराखंड के एरिया में ये एक्सटिंक्ट हैं। आखिरी बार एक राइनोसरस 1789 में डॉक्यूमेंटेड देखा गया था पौड़ी गढ़वाल रीजन में, जो कॉर्बेट के पास में ही स्थित है। तो लगभग 200 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जब आखिरी राइनोसरस वहाँ देखा गया। उसके बाद उसका शिकार इतना हुआ कि वो उसकी पॉपुलेशन वहाँ पर खत्म हो गई। तो अब जब इस नेशनल पार्क में उन्हें फिर से लाया जाएगा तो ये उनका नेचुरल हैबिटेट है, ऐसा नहीं है कि उन्हें वहाँ पर एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हिस्टोरिकली उस जगह पर वो पाए जाते थे। कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने टाइगर्स के लिए फेमस है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर्स वहीं पर पाए जाते हैं, 200 से भी ज़्यादा टाइगर्स थे 2014 टाइगर सेंसस के अनुसार। इसकी लोकेशन याद रख लेना अगर कहीं कहीं पूछी जाती है, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड स्टेट है। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना। नाम चेंज किया गया था 1956 में, भारत ने आज़ादी के बाद नाम रखा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आफ्टर द फेमस हंटर राइटर कंजर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट। तो पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में उसका नाम आज़ादी के बाद चेंज किया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो प्लान ये है कि एक डजन राइनोसरस को ट्रांसलोकेट किया जाएगा, 12 राइनोसरस हैं जो या तो असम या वेस्ट बंगाल से लाए जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी फ्रॉम काजीरंगा, अभी डिटेल्स बाहर आई नहीं है। उन्हें रेडियो कॉलर्स के साथ टैग किया जाएगा ताकि वो कहाँ जाते हैं उनका मूवमेंट ट्रैक किया जा सके। 5 साल का ये प्रोजेक्ट है और 4 करोड़ रुपए इसमें खर्च आएगा। पूरा प्रोजेक्ट जो है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक डिटेल्ड स्टडी के बाद अमल में लाया जाएगा। WII के जो वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये भी कहा है कि राइनोसरस और टाइगर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती हैं, क्योंकि काजीरंगा में भी नहीं देखी गई हैं, क्योंकि कुछ क्रिटिक्स ने ये बोला था कि टाइगर्स इतने ज़्यादा हैं वहाँ पर कि टाइगर्स और राइनोसरस के बीच में टकराव होगा, लेकिन WII के जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला है। टाइगर एक कार्निवोरस एनिमल है और राइनोसरस एक हर्बीवोर है, केवल घास खाता है, और इसलिए उनके बीच में टकराव होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। तो जिम कॉर्बेट जो है इन सभी रीजंस के कारण परफेक्ट लोकेशन है राइनोसरस को शिफ्ट करने के लिए, और हमारे पास पहले भी कई सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, जैसे 1984 में दूधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पास में स्थित है, वहाँ पर ये राइनोस को शिफ्ट किया गया था और आज भी वहाँ एक अच्छी पॉपुलेशन है, 33 राइनोसरस वहाँ पर हैं दूधवा में आज भी। सेकेंडली, पिछले 15 साल में कई बार टाइगर्स को रीलोकेट किया गया है, ट्रांसलोकेट किया गया है। बेस्ट एग्जाम्पल है पन्ना और सरिस्का, इन दोनों जगहों पर टाइगर्स पूरी तरह खत्म हो गए थे लेकिन अब रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं, पॉपुलेशंस थ्राइव कर रही हैं। इनफैक्ट पन्ना में तो फिर से ओवरक्राउडिंग की समस्या देखी जा रही है। जाते जाते आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लेटेस्ट टाइगर सेंसस आया है उसके अनुसार भारत में कितने टाइगर्स हैं? आपको मुझे नंबर बताना है एग्जैक्ट कितने टाइगर्स हैं भारत में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर सेंसस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।